हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनोलिक। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन पोजिशनल स्ट्रेटजी, जिसमें हम कि सही समय पे कहाँ पे एंट्री लेना और कहाँ पे एग्जिट लेना है वो डिसाइड करेंगे एक ईएमए यूज करके। ओके, ईएमए होगा हमारा 9 ईएमए होगा। ओके, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे। उसके थ्रू हम ये पता करेंगे कि स्टॉक्स की ट्रेंड किस साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है, उसके अनुसार हम उसमें एंट्री और एग्जिट बढ़ाएंगे। ओके, तो इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको आना अपने इंडिकेटर्स में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल में आना, इंडिकेटर सर्च करना, इंडिकेटर्स में ईएमए ऐसे सर्च करना, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल चूज करना। और यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ, तो यहाँ पे मेरी आ गई है। जैसे देखो मैं यहाँ पे 9 ईएमए यूज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो बहुत सारी आपको 9 ईएमए दिख जाएगी। मैं ये देखो अब मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मैं इतने सारे इंडिकेटर्स कैसे यूज कर पा रहा हूँ। इसके पीछे का जस्ट एक लॉजिक है कि मैं ना ट्रेडिंग ये धन पे अपने डीमेट अकाउंट खोल रखा हूँ, जिसमें कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए यूज करने को मिलते हैं। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग के प्रीमियम फीचर्स यूज करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक होगा धन का, वहाँ से जाके अकाउंट खोलो और ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, ऑप्शन ट्रेडर ऐप, जो भी आपको यूज करना है सब आप यूज कर पाओगे। ओके, चलो हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से 9 ईएमए यूज करना है। आपका सेटिंग में बता देता हूँ आपको रखना क्या होगा। इनपुट में आपको रखना है लेंथ में 9, सोर्स क्लोज, ऑफसेट 0, स्मूथिंग लाइन SMA और स्मूथिंग लेंथ 5 रखना है। ओके, आपको ये यूज करना है। उसके बाद आप देखो आना आपको करना क्या है। सोचो ये बर्जर पेंट का स्टॉक्स है। ओके, बर्जर पेंट में आपको देखने की मुझे एंट्री कब बनानी है। आपको एंट्री बर्जर पेंट में तब बनानी है जब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल इस 9 ईएमए के ऊपर क्लोज करता हो, 9 ईएमए के ऊपर क्लोज करता हो और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा छोटा सा होगा प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस के प्रीवियस कैंडल, अगर आपकी रिस्क रिवार्ड के अनुसार। जैसे देखो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जोन जो है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके, ये वाला जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे गया, दोबारा तिबारा यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से वापस रिवर्सल आ रही है और नीचे में ये जोन जो है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, तो आपको अपना जोन डिसाइड कर लेना होगा। आपको स्टॉप लॉस आपका जोन से 4-5 पॉइंट नीचे का रखना होगा ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो या ट्रिगर ना हो। ओके, तो हमें एंट्री तब लेनी है। पहले तो हमें ये देखना है कि ये 9 ईएमए के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करे, उसके बाद दूसरी बार ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस, अगर कोई आसपास 5-10 पॉइंट के आसपास कोई रेजिस्टेंस है तो उसे भी ब्रीच होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें ब्रीच होते हुए दिख रहा है, तो हम एंट्री तभी लेंगे जहाँ पे ये ब्रीच होगा। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और हमारा जो टारगेट होगा एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवार्ड हम मेंटेन करेंगे। हमारा योगा प्रीवियस कैंडल का लो रखेंगे हम अपना टारगेट, तो 583 हमारा टारगेट है और एंट्री हमारी बन रही है कितने 605 के ऊपर। ओके, 605 के ऊपर हमारी एंट्री बन रही है, तो हमारा एंट्री जोन हो गया। उसके बाद हम एंट्री लेंगे, हमारा जो टारगेट होगा 1:2। अगर यहाँ पे देखो हमारे लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हमें 40 पॉइंट का टारगेट चाहिए, तो 605 से हमें 645 तक का टारगेट चाहिए। ये देख लो हमारा अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, 632 पे है ना, ये अप्रोक्स यहाँ पे है। ओके, तो हमें उस अनुसार भी देखना होगा। उसके बाद हमारा अगला रेजिस्टेंस का है 677, तो चलो एक सही रिस्क रिवार्ड हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस सही से हम देखेंगे। और अगर हमें सेलिंग करना, अगर फ्यूचर्स में हमें शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट कब करेंगे, जब इस 9 ईएमए के नीचे में कोई रेड कैंडल क्लोज हो। ओके, क्लोज हो और ऊपर में कोई या फिर नीचे में कोई सपोर्ट जोन ना हो। ओके, जिस सपोर्ट जोन को ब्रीच कर, पहला तो होगा कि अगर वो सपोर्ट जोन को ब्रीच कर रहा है तो वेल एंड गुड, या फिर कोई 9 ईएमए कोई रेड कैंडल 9 ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा हो, जैसे ये कैंडल क्लोज हो रहा है तो हमें इस कैंडल में एंट्री लेने एक पुल बैक का इंतजार करना है। पुल बैक यहाँ पे आया के बाद जो नीचे क्लोज होगा उसमें एंट्री लेना है, तो हमें अप्रोक्स उसी प्राइस के आसपास एंट्री मिलेगी। उसके बाद देखो कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा फॉल। ओके, इस तरह से आप सिर्फ इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है इसमें जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक कि IRCTC को। IRCTC देखो आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 महीनों में इतनी अच्छी मूव थी। ओके, 650 से स्टॉक अप्रोक्स 780 के आसपास गए थे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक हमें 9 ईएमए का क्लोजिंग मिला रेड कैंडल। ओके, उसके बाद एक पुल बैक है, उसके बाद अगली कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यहाँ पे एंट्री लेंगे। प्रीवियस कैंडल का हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा और देखो फिर इसके इसमें कितनी बुरी से सेलिंग आई है। ओके, ये मैं थोड़ा इसका ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, इंडिकेटर्स को रहने देता हूँ। ओके, ये देखो रिलायंस के स्टॉक्स है हमारे, रिलायंस में देखो, रिलायंस में क्या है, ये यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग आई। बाइंग के बाद अगर आप पुल बैक का इंतजार करते हो तो पुल बैक का या फिर 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। पुल बैक के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ के आसपास आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री मिला आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, उसके बाद आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, लगभग ये स्टॉक्स आपने एंट्री कहाँ पे ली,
2500 पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 2436, यहाँ पे लगभग मतलब 17 पॉइंट, यहाँ से 140 पॉइंट का टारगेट चाहिए, तो 2500 2640 के आसपास ये देखो हमारा यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। ओके, एकदम एग्जैक्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिल रहा है 2640-50 के आसपास। फिर यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, क्लोज के बाद हमें एक बार पुल बैक कैंडल का वेट करेंगे। पुल बैक नहीं आया, उसके बाद ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखो एक बार नीचे में क्लोज हुई, पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आया क्या, नहीं आया। यहाँ पे एक पुल बैक आया, पुल बैक में यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद देखो एक अच्छी टारगेट यहाँ पे हमें दिख रही है। ओके, आप ऐसा बहुत सभी स्टॉक्स में जो फ्यूचर्स में या आपको पोजिशनल लेना है, पोजिशनल आप तभी लेना जब एक चीज़ और डिसाइड कर लेना कि आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री तभी लोगे जब ये 9 EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा होगा। ठीक है, अगर वो 9 EMA के ऊपर ट्रेड करे तभी आप लॉन्ग की पोजिशन बनाओगे, अगर उसके नीचे ट्रेड करे तो नहीं बनाना। देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसने क्लोजिंग की 9 EMA के नीचे। देखो आप अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा, आपको लग रहा होगा कि सपोर्ट है, हो सकता है आपको एंट्री थोड़ी महंगी प्राइस पे मिले, जैसे आपको आप यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। उसके बाद देखो आपको कितना बड़ा इसमें नीचे डाउनफॉल आया है, तो आपको तभी लेना है जब ये 9 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा हो तो। ओके, और अगर आप पुल बैक के लिए वेट करें तो दैट्स वेल एंड गुड, पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपका सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। ये था हमारा पोजिशनल स्ट्रेटजी जो हम 9 EMA यूज करके ट्रेड कर सकते हैं।